सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। और गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड 2019 बैच थर्ड सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप सभी के लगातार ये सवाल आ रहे हैं कि जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर है वो कब तक हो सकता है और हम किस सेमेस्टर की तैयारी करें, क्या थर्ड सेमेस्टर की तैयारी करें या फिर फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करें, और अगर हमारा सेमेस्टर बहुत ज़्यादा लेट होता है तो क्या पीएनपी प्रमोट करेगी, और अगर प्रमोट भी करती है तो क्या आप इससे नई शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। क्योंकि देखिए, पूरा आपका मोटिव यही है कि हम किसी तरीके से भी नई शिक्षक भर्ती जो आने वाली है, जो भी 2018 बैच के साथी, 2017 बैच के साथी जो भी प्रयास कर रहे हैं कि जो नई शिक्षक भर्ती है वो जल्द से जल्द आए, तो आप उसमें जितने भी साथी 2019 बैच के हैं वो भी शामिल हो सके। तो इसके लिए ये मतलब कहा जा रहा है कि जो हमारा थर्ड सेमेस्टर पेपर है इसको प्रमोट कर देना चाहिए और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम करवाना चाहिए। तो क्या इससे लाभ मिलेगा भी या फिर नहीं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर प्रमोट होता भी है तो कितना जल्दी, यानी किस तरीके से पीएनपी को प्रमोट करना चाहिए ताकि आपको शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका मिल सके। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और फ्रेंड देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि आपको किस सेमेस्टर की तैयारी करनी है। क्योंकि ये जो आपके डाउट है, और बहुत सारे प्रशिक्षु तो अब ये कह रहे हैं कि जो हमारी पढ़ाई है वो बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि ऐसी स्थिति है और ये सबको पता है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। जैसे कि बहुत सारे प्रशिक्षु कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है या कुछ भी नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, और बहुत सारे प्रशिक्षु कह रहे हैं कि कोरोना है और डरने। तो फ्रेंड देखिए, आपको मानो या ना मानो लेकिन ऐसी स्थिति है और आपको सेफ रहना होगा, ठीक है। आपको घर में रहना होगा, सेफ रहना होगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लापरवाही करते हैं तो इसका भुगतान आपके, आप खुद सोचिए ना कि आपके घर वालों पर क्या बीतेगा, ठीक है। तो इसलिए आप घर में रहिए, सेफ रहिए, और अगर बाहर भी निकल रहे हैं तो मास्क का यूज कीजिए। क्योंकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन की अगर आप, बहुत सारे लोग तो डर के मारे उनको बहुत सारी समस्याएं हो जा रही है, तो इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको इससे लड़ना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है, और घर वालों को भी मोटिवेट करना है कि आप जो कुछ भी, अपने जो भी खाने का या जो कुछ भी है अच्छे से उसका सेवन करें, पानी पीते रहें हमेशा गर्म पानी, तो इससे क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा और आपको डरना नहीं है, इससे लड़ना है, ठीक है। तो ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, और आप सभी सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, हम तो यही विश करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर एग्जाम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे प्रशिक्षकों का ये कहना है कि प्रमोट एकमात्र विकल्प है, अब नहीं तो जिस तरह के हालात हैं, और अभी हालात बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है गाइस, और हो सकता है ना कि लॉकडाउन भी लगाया जाए, और ये कन्फर्म है, क्योंकि आप भी अभी आप देख सकते हो अपने यूपी में कल से और मंगलवार सुबह तक लॉकडाउन रहेगा, ठीक है। यानी कर्फ्यू रहेगा, केवल और केवल जो आवश्यक जो भी काम रहेगा वही किया जाएगा, वरना सब कुछ बंद रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि मतलब इस हिसाब से जो पेपर है, जैसे कि मैंने आप सभी को प्रीवियस पेपर में भी इन्फॉर्मेशन शेयर किया था कि जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर है ये मई में भी तो बिल्कुल चांसेस नहीं है, जून में भी चांसेस नहीं है, जुलाई में या फिर अगस्त में थर्ड सेमेस्टर पेपर होंगे अगर स्थिति सामान्य रही तो, ठीक है। और उसके बाद से जो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है वो फरवरी में होगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है, अगर पेपर अगर होता भी है, क्योंकि इस स्थिति में अगर एग्ज़ाम होता है, सो फ्रेंड्स ये आप सभी के लिए या जितने भी प्रशिक्षु हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिद्ध होगा। आप ऐसी स्थिति में अगर एग्ज़ाम देने जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत सारे प्रशिक्षु कहेंगे कि इसी बीच तो पंचायत चुनाव हो गया। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो ये पंचायत चुनाव के ही कारण ऐसी स्थिति आ रही है कि कोई शिक्षा क्या मतलब डेली इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, इसलिए ऐसी स्थिति में एग्जाम करवाना, अगर आप चाहते हो कि एग्जाम मई माह में हो जाए, जून में हो जाए, तो फिर हम तो इससे सहमत नहीं है। आप इससे सहमत हो कि हमारा जो एग्जाम है वो हो जाए जल्द से जल्द, तो फ्रेंड्स ऐसी स्थिति में एग्जाम करवाना बिल्कुल हम इससे सहमत नहीं है। क्योंकि जब आप सेफ रहेंगे तभी आप किसी भी नई शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे, आप शिक्षक बन सकेंगे। बट जब आप सेफ ही नहीं रहेंगे, रिस्क लेकर जाएंगे पेपर देने,
तो फिर आप खुद सोचिए ना कि क्या होगा। तो इसलिए यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे जो बोला जा रहा है ना, हम इसे सहमत है कि बेस्ट ऑप्शन है प्रमोट करना। बट देखिए दिक्कत वाली बात क्या है ना कि यहाँ पे अगर प्रमोट भी होता है, फॉर एग्जाम्पल सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन कि देखिए जिनका पेपर बैग लगा है वो साथी प्रमोट के पक्ष में नहीं है और वो बिल्कुल अपने जगह पे सही है। क्योंकि देखिए ये तो कंफर्म है कि अगर थर्ड सेमेस्टर प्रमोट भी होता है, क्योंकि 2018 बैच किस तरीके से प्रमोट हुआ था ये आप सभी इससे अवगत हो, जैसे कि थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट कर दिया गया, जिन प्रशिक्षकों का बैक लगा था उनको प्रमोट नहीं किया गया, यानी उनको जिस सेमेस्टर में बैक लगा था जिस सब्जेक्ट में उसका तो पेपर देना ही था, साथ में थर्ड सेमेस्टर का भी पेपर देना था, साथ में फोर्थ सेमेस्टर का, यानी उनको प्रमोट का 1% भी लाभ नहीं मिला। और 2019 बैच की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने सेकंड सेम का पेपर दिया और पीएनपी के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि सेकंड सेम के बेस पे ही फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स दिए जाएंगे, और अभी ऐसी स्थिति है फ्रेंड, देख सकते हो कि नवंबर माह में आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम करवाए गए और अभी तक प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट का अता पता नहीं है। ठीक है, देखिए प्रमोट तो आप हो गए हैं लेकिन जो प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट है वो भी अभी मतलब उसका कोई भी आता पता नहीं है, जो स्क्रूटनी रिजल्ट है वो भी नहीं आया है, यानी एक तरीके से कहें तो आपका जो ये पूरा सत्र है ना, एक तरीके से जो पीएनपी है वो पता नहीं क्या करती है, क्या सोचती है, हमें तो यही नहीं समझ में आता है। तो आप समझ गए होंगे कि जिस तरीके से सेकंड सेमेस्टर का अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है कि प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा और जो स्क्रूटनी रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो अगर ऐसा ही थर्ड सेमेस्टर के साथ होता है तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि जो पीएनपी है वो बोलती है कि जब तक आपका थर्ड सेमेस्टर क्लियर नहीं हो जाता है तब तक आप यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे, और जो एनसीईटी है उसका गाइडलाइंस कहता है कि अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप क्या कर सकते हो, टेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, बट जो कुछ भी करना है वो पीएनपी ही करती है। सो फ्रेंड देखिए, अगर आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट भी होता है तो यहाँ पर आप फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, और जिस तरीके से अभी स्थिति फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है वैसे सेम प्रोसेस उसमें भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मांग तो उठाना चाहिए कि जो हमारा सेमेस्टर है इसको प्रमोट करें, बट जिन साथियों का बैक लगा है उनके बारे में भी एक नई नोटिस जारी करें, जैसे कि यहाँ ये बोला जा रहा है कि उनको 2019 बैच के सभी साथियों को, यानी जिस सब्जेक्ट में बैक लगा है सेकंड सेम में उसका तो देना ही होगा, साथ में प्रथम सेमेस्टर का पूरा पेपर देना होगा, यानी जो उनका प्रमोट है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी पीएनपी इस पर नोटिस तो नहीं जारी की है बट ऐसा बोला जा रहा है, तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रमोट अगर होते भी हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप सभी को यहाँ पे देखिए, जैसे कि बोला जा रहा है कि प्रदेश के 19 बैच के सभी संगठनों व प्रशिक्षुओं से यह निवेदन है कि वो अब इस मुहिम को तेज रूप देने के लिए एक साथ मिलकर काम करें ताकि प्रदेश के सभी प्रशिक्षुओं को इसका लाभ मिल सके। चूंकि कोरोना का प्रकोप जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और तृतीय सेमेस्टर के 3 माह अतिरिक्त होने को हैं, और ऐसे में तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा भी जुलाई से पहले शुरू होने के आसार नहीं है, और ये कन्फर्म है। ठीक है, और 6 अगस्त को फोर्थ सेमेस्टर भी पूरा हो जाएगा, और अग्रज साथियों की कोशिश और आगामी चुनाव को देखते हुए शिक्षक भर्ती आने के भी पूरे चांस हैं, तो अग्रज भाइयों और बहनों के साथ हम सब भी इस भर्ती में शामिल हो सके, ऐसी विकट स्थिति में कोई भी ज्ञापन या अभियान चलाना पॉसिबल नहीं है, तो एकमात्र जो माध्यम है वो है ट्विटर अभियान। और फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी, क्योंकि देखिए अगर इस तरीके से अपने बहुत ही अच्छे ढंग से अगर पॉइंट रखा जाता है तो कन्फर्म है पीएनपी कुछ ना कुछ, वैसे आप देखते ही हैं पीएनपी हमेशा कुछ ना कुछ मतलब गलत ही, या अगर हम कहें तो फोर्थ सेमेस्टर का जैसे रिजल्ट आया, या आप जैसे कि मैंने आपसे भी कोई इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया था, तो यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं पीएनपी खुद क्रिएट कर देती है, जैसे प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट, स्क्रूटनी रिजल्ट कुछ भी टाइम से नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर प्रमोट भी थर्ड सेमेस्टर होता है तो जिस तरीके से सेकंड सेमेस्टर का हाल हुआ है वैसे थर्ड सेमेस्टर का हाल नहीं होना चाहिए। अगर वैसा होता है तो फिर कंफर्म है कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर नई शिक्षक भर्ती भी आती है तो आप इससे वंचित रह जाएंगे, क्योंकि आपके चारों सेमेस्टर कंप्लीट नहीं होंगे, थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया होगा तो किस तरीके से होगा। तो इसलिए यहाँ पे
प्रमोट का मांग सभी प्रशिक्षुओं को करना चाहिए, बट पीएनपी को सब कुछ टाइम, अगर वो प्रमोट भी करती है 4 सेमेस्टर का एग्जाम भी करवाती है, तो एग्जाम हो, रिजल्ट आए और उसके अकॉर्डिंग ही 3rd सेमेस्टर के नंबर दिए जाए, और जिन साथियों का बैक लग जाए तो उनका भी एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट करवाए, फिर 3rd सेमेस्टर का भी पेपर और 4th सेमेस्टर तो वो बात की बात है, आप सभी तैयारी करते रहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी को हम शेयर करेंगे कि हम 3rd सेमेस्टर की तैयारी करें या 4th सेमेस्टर की तैयारी करें। सो फ्रेंड्स, अभी जैसे मैं अगर आपको बताऊं, तो जैसे कि मैंने सब कुछ जो कुछ भी बताया वो दोनों पॉइंट मैंने रखा, बट अभी देखिए आपको 4th सेमेस्टर की तैयारी नहीं करनी। अगर देखिए आपके पास टाइम ज़्यादा है या टाइम तो मिल ही रहा है, ये तो इसमें कोई चांसेस नहीं है, तो यहाँ पे अभी आपको 3rd सेमेस्टर की तैयारी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। और उसके बाद से जिन साथियों का बैक लगा है उनको 3rd सेमेस्टर की तैयारी करना है, और जिस सब्जेक्ट में बैक लगा है उसका भी तैयारी करना है, क्योंकि ये कन्फर्म है कि जब एग्ज़ाम होगा तो बैक पेपर वालों का भी एग्ज़ाम करवाया जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था। आप क्या प्रमोट से सहमत हो या फिर नहीं, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हो। देखिए, हमने अपना राय रखा कि अगर प्रमोट भी होता है तो जो पीएनपी सेकंड सेम में जिस तरीके से हाल किए वैसे 3rd सेम में भी कर सकती है, और अगर रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा लेट आएगा तो फिर नई शिक्षक भर्ती से आप वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए पीएनपी को चाहिए कि अगर प्रमोट करती है तो सब कुछ सही करे, सही ढंग से करे, टाइम पे करे, ताकि आप नई शिक्षक भर्ती से वंचित ना रह सको। और अगर वो नहीं चाहते एग्ज़ाम करवाना, नहीं चाहते प्रमोट करवाना, तो जो एग्ज़ाम है ये तो फिर, क्योंकि आपको पता ही है, लेट होगा और ये पूरा 2022 तक जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।